हम लोग आज और एक प्लान कर रहे हैं कि यहाँ का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है मतलब बेतलंगशिप उस पे जाने का। तो उस जगह पे थोड़ा सा भी क्लेश वेश चल रहा है, लेकिन हम लोग तो परमिशन ले लिए, देखते हैं जा पाते कि नहीं। वहाँ पर शायद सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगा, तो देखते हैं। और बेतलंगशिप पे भी उस जगह सबसे ज़्यादा ऊँचा है, मतलब उस जगह को लेके ही क्लेश वेश चल रहा है अभी। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस जगह पे जाने का और आप लोगों को एक अच्छा सा ब्लॉग लाने का इस चैनल पे। तो चलिए होप करते हैं कि हम लोग जाएंगे आज और वहाँ से एक ब्लॉग लेके आएंगे शानदार आप लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मेरा नाम है देवाशीष। आज हम जाएंगे त्रिपुरा की सबसे ऊंची जगह मतलब बेतलंगशिप पे। ये जम्पुई हिल पे ही है, कोई कोई इसे थाईदूर भी बोलते हैं। ये वीडियो जम्पुई हिल के सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ये एक चर्च है जो कि साल 1919 के करीब बनाया गया है। मुझे लगता है यह कि मेजोरिटी जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिश्चियन चर्च है और देखने में ये चर्च बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी एक दिन पहले ही क्रिसमस गया है, तो इसीलिए चारों तरफ इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है। बेतलंगशिप यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा और जाते टाइम रोड के साइड से कुछ ऑरेंज गार्डन भी मिल सकते हैं, लेकिन पता नहीं ऑरेंज मिलेगा कि नहीं। दोनों तरफ की नज़ारा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उतर नहीं सकते क्योंकि वैसे ही हम लोग लेट चल रहे हैं और वहाँ से हम लोगों को लौटना भी है अंधेरा होने से पहले। ये एक लॉज लाइक कुछ है, लॉज या होटल बोले कुछ भी, और हम लोग दोपहर का खाना यहाँ पर ही खाएंगे। ये जो पीक दिखाई दे रहे हैं वो बेतलंगशिप की सबसे ऊंची पीक है और इस पीक की दूरी हम लोगों से करीब 200 मीटर के आसपास ही होगा और कुछ ही देर में हम भी उसी पीक पे होंगे। इतना खूबसूरत है यार, वाओ। यहाँ का जो खाना है वो एकदम ऑथेंटिक मिजो फूड है, तो इस फूड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। है
सार। खाना इतना तीखा था यार कि सर तो खाना वाना छोड़ के रोने लग गया और हम सभी को लास्ट तक चीनी खाना पड़ा। सर और हम सभी का काम खराब करने वाला यही है। जिंदगी भर मुझे खास करके सर को ये मोमेंट याद रहेगा। यह व्यू लॉज की छत के ऊपर से है। ये कैमरा में जितना अच्छा दिखाई दे रहे हैं, खाली आंखों से और भी ज्यादा अच्छा दिखाई देते हैं। लॉज के बालकनी से बाहर का नज़ारा इतना अच्छा दिखाई देते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस लॉज को बुक करने के लिए सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, तो चाहे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कोई प्रोमोटेड वीडियो ना पेड वीडियो है। मैं इसका डिटेल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से वहाँ पर जा पाए और इस नज़ारा को देख पाए। इससे उन लोगों का भी थोड़ा बहुत सेल बढ़ जाएगा। ये आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए, दोनों के लिए अच्छे हैं। उन लोगों का लोकल लैंग्वेज जो है वो है मिजो। इसके अलावा इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते हैं। यहाँ से हम लोग परमिशन ले रहे हैं ताकि ऊपर जा पाए। एक वॉच टावर है जो कि बेतलंगशिप के एकदम टॉप पे है। आप लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर खड़ा होना और त्रिपुरा की सबसे ऊंची जगह पे खड़ा होना एक ही बात है। ये सी लेवल से 931 मीटर ऊंचाई पे है।
चारों तरफ इतना हरियाली है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचर के एकदम करीब आ गया हूँ। इस बॉक्स के अंदर एक बाइबल रखा हुआ है, कोई भी आके यहाँ पर इस बाइबल को पढ़ सकते हैं। चलिए अब लौटने का टाइम हो गया है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थर्ड पार्ट में यहाँ का सभी विलेज और ये जम्पुई हिल कैसे बना, नॉर्थ ईस्ट के सबसे क्लीनेस्ट सिटी और जम्पुई के पहले किंग और उनके देहांत के बाद कहाँ पर रखा गया है, ये सभी एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक पिकनिक स्पॉट जो कि झरने के एकदम साथ है और एकदम बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को उस जगह के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और उस जगह कैसा है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। वाओ, जाते जाते मुझे एक ऑरेंज गार्डन मिल ही गया, शायद इस पेड़ पे ऑरेंज है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर, जय हिंद। ইহানতে গিয়ে তুমি কিছু দেখতে না না গেলে ইহান তুমি কিছু বুঝতেই না রশিব মন্দিরটা যাও না হ্যাঁ যাও যা আর এটি তো মেন মেন জায়গাটা একদম মেন মটর ইউ ওয়ান্ট টু টেক দা মিরা ওয়ান জি পাখাত নেবে ইন কেন পাখাত কেন চল মুক্ত করে আছে দা মুজ বড় গয়া আমি মোর জাননি ওই দন্নমর জমা তুমি কে বিন্নি তুই একটা নাম কইছে, এটা আমার মাথার কথা গেছে, আমি রেকর্ড করে রাখছি স্যার। পারতে পারছি না।